ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। छोटे थोड़े बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एम मास का ब्लॉक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और अभी ये रिलैक्स्ड पोजीशन पे है। ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ एल नॉट गिवन है, एंड दिस पॉइंट इज 0.0। आपको बताना है, फाइंड आउट पोजीशन ऑफ ब्लॉक एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लॉक एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर मोशन वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो इक्वेशन लिखेंगे वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहां पर बच्चों वाई क्या है? वाई है पोजीशन ऑफ पार्टिकल, वाई वन क्या है? मीन पोजीशन, और वाई माइनस वाई वन है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप लोग मीन पोजीशन का वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। मीन पोजीशन कहाँ होगा? एम्पलीट्यूड निकालेंगे, ओमेगा निकालेंगे और फाई निकालेंगे। ठीक है, आप लोग ट्राई करना चाहेंगे, 1 मिनट का टाइम दूं कि आप, मैं करूं टी सीधे सीधे करो ट्राई ट्राई कर करो रहे। करो करो, ज्यादा समय नहीं देंगे। देखिए भाई, क्या है कि सबसे पहले तो मीन पोजीशन पता करते हैं। मीन पोजीशन की पहचान क्या है? जहां पे फोर्स जीरो है बेटा, तो ये ब्लॉक जब कुछ नीचे आएगा बेटा तो एक इस पे वेट लग रहा होगा और एक के एक्स नॉड मान लेते हैं, यहां से एक्स नॉड नीचे आएगा।
सबसे पहली बात, यहाँ पर बॉडी काहे से छोड़ी गई, रेस्ट से छोड़ी गई है। तो जरा बोलो बच्चों, ये वाली जो पोजीशन है, किसे इसे कौन सी पोजीशन कहोगे? तो बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन। हाँ, ये जो पोजीशन है, दिस इज योर एक्सट्रीम पोजीशन। और जहां पे के एक्स नॉट की वैल्यू, जहां पे के एक्स नॉट की वैल्यू एम जी के बराबर हो, के एक्स नॉट, तो एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी बाई के। चलिए, तो एक्स नॉट जो है वो एम जी बाई के आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस बार बॉडी की मीन पोजीशन है, वो तब नहीं है जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है ना? क्योंकि मीन पोजीशन का मतलब होता है जहां पे फोर्स जीरो हो। क्या मेरी बात समझ आ रही बच्चों? तो जो मीन यस सर। पोजीशन है वो एम जी बाई के पोजीशन पे है, ये एक्सट्रीम है, और इससे इतने गैप पे, इतना नीचे मीन पोजीशन है। तो क्या इस मोशन का एम्पलीट्यूड बता सकते हो? सच्ची समझ भाई क्या हुआ? एम जी बाई के ही तो एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच का गैप ही तो होता है। मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का गैप एम्पलीट्यूड होता है ना? चलिए, तो ये एम्पलीट्यूड आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर हम कहें कि ये लोकेशन क्या होगी, तो यहां पर देखो वाई कोऑर्डिनेट अगर लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट है y1, इसे मैं मेन पोजीशन कह रहा हूँ। ओरिजिन से कितना नीचे है? एल नॉट प्लस एम जी बाई के, निगेटिव का है ना, माइनस नीचे है ना, तो माइनस का। ये वाई कोऑर्डिनेट ऑफ मेन पोजीशन हो गया। ओमेगा जानते हो, कांस्टेंट फोर्स है तो टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ता, तो ओमेगा यही होगा, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होगा। अब यहां पर ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम होगी, ब्लॉक यहां नहीं रुकेगा और यहां जाएगा, ये लोअर एक्सट्रीम है। तो जब वाई एक्सिस पे मोशन होता है बेटा, तो ये जीरो फेस होता है, अपर एक्सट्रीम पे पाई बाई टू होगा, फिर यहाँ आएगा पाई होगा, फिर यहाँ 3 पाई बाई 2 होगा। तो टी इक्वल टू जीरो पे अगर यहाँ पे छोड़ा गया, टाइम गिवन नहीं है वैसे, टी इक्वल टू जीरो नोट कर लेते हैं। तो टी इक्वल टू जीरो पे अगर यहाँ से छोड़ा गया है अपर एक्सट्रीम पोजिशन पे, तो ओमेगा टी प्लस फाई जो टी इक्वल टू जीरो पर होगा, वो उसकी वैल्यू पाई बाई टू होगी, तो फेस जो हो जाएगा वो पाई बाई टू हो जाएगा। नहीं बेटा, मेन पोजीशन के ऊपर वाली एक्सट्रीम है ना बेटा, जहां पे है क्या नाम तुम्हारा, पांडे। मेन अपर एक्सट्रीम से छोड़ा गया है ना, तो प्लस पाई बाई टू होगा ना बेटा। आप देखिए, हाँ, ये एक्सट्रीम मेन पोजीशन नीचे थी ना, ऊपर से आ रहा है ना पार्टिकल, यानी ये अपनी अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे था बेटा। जैसे जब एक्स में मोशन होता है तो राइट एक्सट्रीम हमारी पॉजिटिव एक्सट्रीम होती है, वहां प्लस पाई बाई टू होता है, लेफ्ट वाला नेगेटिव होता है ना, तो राइट और लेफ्ट, यहाँ ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव बेटा। तो आओ इक्वेशन पुट कर देते हैं। इक्वेशन में वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वाई माइनस वाई वन के स्थान पर माइनस माइनस, तो प्लस हो जाएगा एल नॉट प्लस एम जी बाई के, क्योंकि जो वाई कोऑर्डिनेट है वो खुद ही निगेटिव है। इज इक्वल टू ए है एम जी बाई के रूट के बाई एम टी प्लस पाई बाई टू, चाहो तो कॉस में कन्वर्ट कर दो इसे ना। यहाँ वाई जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अगर आपको चाहिए तो इसको उधर भेज दो, माइनस का एल नॉट प्लस एम जी बाई के प्लस एम जी बाई के कॉस रूट के बाई एम इंटू टी। ये बच्चों
लोकेशन है पूरे के पूरे, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है बेटा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। अब इसी क्वेश्चन को हम कुछ क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी में भी दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान सुनो। वर्क पावर एनर्जी में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो मैक्सिमम स्पीड मैंने निकलवाई थी सभी बच्चों को, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकलवाया था, मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन होगा। आप सभी लोग देखें कि अभी शुरुआत में ये रिलैक्स्ड पोजीशन पे है और ये मीन पे आएगा और एक्सट्रीम पे आएगा, तो जो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा वो 2 times ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। ये वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस के आंसर। तो एम्पलीट्यूड तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो विदाउट यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम वी कैन से एक्स मैक्स ये होगा। वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होती है एसएचएम में, ए ओमेगा होती है, तो ए है एम जी बाई के, ओमेगा है रूट के बाई। यस बेटा वाई मैक्स एक्स की जगह वाई मैक्स, मतलब ये वाई में है। नहीं नहीं बेटा, एक्स इसको मैं बोल रहा हूँ, एलोंगेशन को एक्स कह रहा हूँ, एक्स इज द एलोंगेशन, वाई मैक्स नहीं बोल सकते, वाई तो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एलोंगेशन है, मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग है ना, तो स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन इतना होगा और मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा होती है सिस्टम में। तो विदाउट यूजिंग वर्क पावर एनर्जी कॉन्सेप्ट, एनर्जी कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम, वी कैन फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक बाय यूजिंग ए ओमेगा। तो ए ओमेगा में आप देख सकते हो जी बाहर आ जाएगा, रूट एम ऊपर जाएगा, के नीचे आ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन हम लोग जो है उससे भी सॉल्व करते हैं वर्क पावर एनर्जी से भी, लेकिन वर्क पावर एनर्जी से हम ये टाइम वाले कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ये वाला जो टाइम वाले कैलकुलेशन है ये नहीं कर सकते। चलिए हाँ बताए, हाँ सब में होता है, अरे वही एनर्जी कंजर्वेशन ही है, उसी का अलग अलग फॉर्म है, चाहे जैसे कर लो वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लो चाहे जैसे कर लो, ठीक है। चल सब कौन आया इस टाइम, इतना ऑलरेडी हम लोग लेट हैं, फिर भी लोग लेट आते हैं, पता नहीं क्या करेंगे अपने जीवन में, घर बैठ के क्लास ऑन टाइम नहीं कर पा। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, मास का ब्लॉक है, एफ फोर्स लगा दिया, अभी ये रिलैक्स्ड है, बॉडी की वेलोसिटी जीरो है, टी इक्वल टू जीरो है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0 है, नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की एल नॉट है। फाइंड आउट एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, मैक्सिमम स्पीड, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, कैपिटल एक्स में लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट। Displacement of particle from initial position. इन तीनों चीजों में अंतर है, थोड़ा 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 सा दिमाग लगाएंगे हम आपको। करो सॉल्व करो, आपको मिलते हैं पूरे 2 से 3 मिनट।
इनिशियली रेस्ट पे टाइम जीरो है, करो जिसको मैगी खाना हो मेरे यहाँ आ जाओ। सर क्या खाने हो? मैगी। अच्छा, मैं तो मैगी खा रहा हूँ सुबह सुबह। और क्या, आज मन कर रहा था। बच्चों, यस यस सर। चलिए भाई आइए शुरू करते हैं। देखिए बाद वाले तो ये तीनों सबके गलत होंगे मुझे लगता है, ये वाले आओ देखते हैं। लेट्स सी, इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे और नया फोटो बनाते हैं।
रेस्ट पे है लेकिन फोर्स एफ लग रहा है, स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, तो क्यों स्प्रिंग रिलैक्स्ड है तो क्या ये मीन पोजीशन है बच्चों? मीन नहीं सर, एक्सट्रीम। वेरी गुड, स्प्रिंग रिलैक्स होने से थोड़े ना होता, फोर्स जीरो होना चाहिए ना बेटा, और फोर्स तो एफ लग रहा है, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स नहीं लगा रहा है बट नेट फोर्स तो एफ लग रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी मीन पोजीशन नहीं है, लेकिन हाँ वेलोसिटी जरूर जीरो है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मीन पोजीशन कहाँ आएगी? तो मीन पोजीशन आएगी जब हमारे फोर्स एफ को स्प्रिंग का फोर्स बैलेंस कर लेगा, सपोज दैट यहां से एक्स नॉट डिस्टेंस पे बैलेंस कर लिया एक्सट्रीम से, ये एल नॉट था, तो एफ इज इक्वल टू के एक्स नॉट से एक्स नॉट एफ बाई के आ जाएगा। तो क्या ये एम्पलीट्यूड हो गया बच्चों एफ नॉट बाई के? बताओ भाई। यस सर। हो जाते हैं क्या, बाकी लोग भी बोलते रहा करो कभी कभी। यस सर। कंप्लीट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे पांच पांच लोग बोला करो, एक बार पांच लोग बोल दिया, अगले वाले में पांच लोग बोल दिया, ऐसे सबकी प्रेजेंस रखनी चाहिए, ये भी नहीं कि सभी बोले तो कोई नहीं बोले, बोले तो सबने बोल दिया। तो बच्चों ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया क्योंकि मी एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन की गैप, अभी यहाँ रुकेगी नहीं बॉडी, मीन पोजीशन तक तो एक्सेलरेट होती है, स्पीड मैक्सिमम होगी। भाई एसएचएम कैसे होता है? सिंपल बात है, एसएचएम ही हो रहा होगा, ये कांस्टेंट फोर्स लगाया है एफ, और कांस्टेंट फोर्स टाइम पीरियड पे तो अफेक्ट करता नहीं, तो यहां से यहां तक लाएगा तब तक स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, अभी और आगे तक जाएगा, जब और आगे तक जाएगा तो फिर जाके बॉडी की वेलोसिटी जीरो होगी, तो ये जो होगा ये इतना ही और आगे जाएगा, एक्स नॉट ही और आगे जाएगा जो कि एम्पलीट्यूड होगा ऑफ कोर्स। यहां वेलोसिटी फिर से जीरो होगी। तो दूसरा सवाल, अगर वर्क पावर एनर्जी का सवाल पूछा जाता, मैक्सिमम इलोंगेशन, तो मैक्सिमम इलोंगेशन जो है ये भी टू टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड होगा, टू टाइम्स एफ नॉट कहां से आ गया, एफ बाई के। ये वाला पार्ट समझ में आया बच्चों? यस सर। क्योंकि यहां से लेके यहां तक आएगा तो मैक्सिमम इलोंगेशन टू एफ बाई के। ओके, कांस्टेंट फोर्स टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं करता तो ओमेगा की वैल्यू तो रूट के बाई एम ही होगी बच्चों, और टाइम पीरियड तो टू पाई अंडर रूट एम बाई के ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताएं बेटा। यस। वेरी गुड, तो मैक्स एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड का उल्टा कर देंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा वन अपॉन टू पाई रूट के बाई एम, अति उत्तम। मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा होगी, मैक्सिमम स्पीड के लिए चाहो तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो इन दोनों पोजिशन के बीच में, लेकिन हम वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों लगाए जब हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, तो ए ओमेगा लगाएंगे, मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा, एम्पलीट्यूड है एफ बाई के, ओमेगा है रूट के बाई एम, तो एफ अपॉन अंडर रूट एम के, ये मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी भाई। वेरी गुड, अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन ऑफ पार्टिकल और बॉडी तो पोजीशन के टर्म में अगर एसएचएम की क्वेश्चन लिखनी हो तो फॉर्मेट होता है, होता है कि नहीं बताओ? यस सर। यस सर। अब इसमें एक्स पोजीशन है, एक्स वन मीन पोजीशन है, बॉडी की मीन पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट, ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एफ एफ फाइव फाइव फेस है इनिशियल। अब आप देख लो मीन पोजीशन यहां है और बॉडी ने यहां से शुरू किया है और ये राइट एक्सट्रीम है, तो कौन सी एक्सट्रीम से शुरू किया है बेटा, राइट से कि लेफ्ट से? लेफ्ट एक्सट्रीम से शुरू किया है तो फेस क्या लोगे, पाई बाय टू की थ्री पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू या माइनस पाई बाय टू, राइट बेटा? चलिए बहुत बढ़िया। तो और टी बराबर जीरो है तो टी बराबर जीरो पे फेस फाइव होता है, तो फाइव की वैल्यू थ्री पाई बाय टू हो जाएगी।
अब आ जाओ x माइनस एक्स वन, मेन पोजिशन का x कोऑर्डिनेट नापते हैं, ओरिजिन यहाँ ले रखा है, ये एल नॉट यहाँ से यहाँ तक है, एफ बाई के और जोड़ दो, ये है मेन पोजिशन। तो ओरिजिन से अगर देखेंगे तो एल नॉट प्लस एफ बाई के ये मेन पोजिशन की x कोऑर्डिनेट है, x1 की वैल्यू है। तो ये है एल नॉट प्लस एफ बाई के, ये मीन पोजिशन का एक्स कोऑर्डिनेट है, एम्पलीट्यूड भी एफ बाई के है, साइन ओमेगा भी वही है, रूट के बाई एम, और ये थ्री पाई बाई टू है, जो कि ऑफ कोर्स माइनस कॉस हो जाएगा, उससे हमें क्या लेना देना। अच्छा ये बताइए कि अगर इस पूरे को मैं नाम देना चाहूं तो ये पूरा क्या कहलाता है, एक्स माइनस एक्स वन को क्या बोलते हैं, displacement from mean position। हाँ, ये पूरी चीज को हम कैपिटल एक्स बुलाते हैं, कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स अगर लिखना हो तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन बोलते हैं इसको। तो ये थर्ड और फोर्थ पार्ट का आंसर है, ये थर्ड पार्ट का आंसर है, ये फोर्थ पार्ट का आंसर है। अब फिफ्थ पार्ट का आंसर दिए, बड़ा यही पे ढेर जाते हैं बच्चे। इसमें देखिए मैंने नाम अलग दे दिया है, ये एस टी रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा, मैंने रिप्रेजेंटेशन तीनों को अलग कर दिया। ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, यानी जहां से चलना शुरू किया वहां से डिस्प्लेसमेंट क्या, बहुत ध्यान सुनना। जैसे ये मान लो मेन पोजीशन है, अब कौन आया, कमाल कर दे रहे हैं भाई लोग, ये जैसे मेन पोजीशन है तो जो कैपिटल एक्स है वो हमारा ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। तो ये एक कैपिटल एक्स जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, एक सेकेंड ये क्या हो गया, ये क्या हो? तो सुनो, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल एक्स कहते हैं, मतलब ये जो वैल्यू है ना ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है कि मीन पोजीशन से वो कितनी दूर है। कन्वेंशनली हम जब इस तरह से फॉर्मेट लिखते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वो हमेशा इधर की तरफ होता है डिस्प्लेसमेंट। हालांकि ये 3 पाई बाई 2 ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू जनरेट कर देगा, कुछ बच्चों के मन में आ सकता है कि सर मीन पोजीशन ये है और पार्टिकल तो इधर था शुरुआत में, तो आप इधर कैसे कह सकते हो। तो आप कन्वेंशनली इधर लेते हो, एक्स आपका इधर होता है, और अगर आप 3 पाई बाई 2 देखो तो ये 3 पाई बाई 2 में ये माइनस नेगेटिव, जैसे टी बराबर जीरो पुट करोगे तो इट विल जनरेट नेगेटिव वैल्यू, तो अपने आप एक्स को उठा के इधर फेंक देगा। तो मैं अपने आप नहीं मानना, तुम्हारे एक्स में के अंदर साइन छुपा हुआ है, तो मैं एक्स को इधर रखने की जरूरत नहीं है, तुम इधर ही रखो, अपने आप नेगेटिव वैल्यू इधर बता देगी। अब सुनो ध्यान से, ये है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और ये है लेफ्ट एक्सट्रीम। टी बराबर जीरो पे पार्टिकल कहां था, यहां था ना, यस सर। इस गैप को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो अगर मेरे को कैपिटल एक्स पता हो और इनिशियल पोजीशन से, ये इनिशियल है, ये मीन है, ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट लिखना हो, तो क्या ये मैं ए प्लस कैपिटल एक्स नहीं लिखूंगा, लिखेंगे सर बिल्कुल। तो a प्लस कैपिटल x में लिखूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल स्टेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्चुअली a प्लस कैपिटल x, नॉट स्मॉल x, कैपिटल x, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये s एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज a प्लस a साइन जो भी ओमेगा t प्लस 3 पाई बाई 2, इसको वैल्यू चाहो तो पुट कर सकते हो, एफ बाई के प्लस एफ बाई के साइन ओमेगा टी प्लस रूट के बाई एम टी प्लस थ्री पाई बाई टू। यहां जो समझदार बच्चे होते हैं उनमें एक ही कंफ्यूजन होता है, उन्हें ये लगता है कि बॉडी ने शुरुआत यहां से करी है, तो किसी टाइम टी पे मान लो यहां पे होगा, मीन पोजीशन से इधर होगा, और ये पूरा गैप ए है, तो वो क्या करते हैं a माइनस एक्स, ये जो इनिशियल पोजीशन से गैप होता है इसे a माइनस एक्स कह देते हैं, a प्लस एक्स की जगह यहां पर a माइनस एक्स बोल देते हैं। तो उनकी गलती ये है कि वो x के मैग्नीट्यूड को फिर कंसीडर करें, क्योंकि
जो हमने x लिखा है वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट लिखा है और उसमें ऑलरेडी 3 पाई बाय 2 जुड़ा है, वो खुद ही नेगेटिव वैल्यू जनरेट करेगा। अगर आप अपनी तरफ से एक माइनस मान लोगे तो फिर आप ये मान के चलो कि आप अननोन हो, आपको क्या पता कि पार्टिकल किधर था t इक्वल टू 0 पे, वो x खुद ही प्रोड्यूस करेगा वैल्यू। आप तो ये समझते हो 0 फेस से शुरू होता है, ऐसे जाता है पार्टिकल, फिर ऐसे आता है, फिर तो मीन से अगर x इधर होगा तो एक्सट्रीम से इनिशियल पोजीशन क्या थी एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम से मापना है डिस्टेंस को तो एम्पलीट्यूड और जोड़ दो। अगर x नेगेटिव होगा अपने आप ऐसे छोटी वैल्यू आ जाएगी, a प्लस x की जो वैल्यू होगी वो a का मैग्नीट्यूड माइनस x का मैग्नीट्यूड अपने आप बन जाएगी 3 बाय 2, अपने आप नेगेटिव वैल्यू एडजस्ट कर देगी। ओके मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये f बाई k कॉमन आ जाएगा 1, और साइन ओमेगा t प्लस 3 पाई बाई 2 होता है माइनस कॉस ओमेगा t, है ना, तो माइनस कॉस ओमेगा t रूट के बाय। अब आप t जीरो रखोगे तो अपने आप देखो ये जीरो आ जाएगा, ये वन हो जाएगा, और ये तो t इक्वल टू जीरो पे तो एक्सट्रीम पे ही था, इनिशियल से एक्सट्रीम पे था, एक्सट्रीम से डिस्टेंस जीरो तो होनी चाहिए। तो इस तरह से ये लास्ट वाला जो पॉइंट था ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल था, इसमें बड़ी दिक्कत होती है एनालाइज करने में चूंकि आदत में नहीं होता ना, तो इसलिए मैंने जानबूझ के तीनों अलग अलग टर्म लिखे थे कि तीनों का मीनिंग आपको क्लियरली समझ आए। ठीक है भाई, बताओ कोई दिक्कत? यस सर। वेरी गुड। एक सेकंड चार्जिंग लगा लो। तो चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको एक स्प्रिंग ट्रिक बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए जिनमें कई सारी पुली कई सारे स्प्रिंग होते हैं और हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होता है, तो उसके लिए मैं आपको एक स्प्रिंग ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग होते हैं तो फॉर्मूला तो हालांकि मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी याद दिला देता हूं, तो ये फॉर्मूला तो याद ही होगा, और टाइम पीरियड लिखना हो तो 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के इक्विवेलेंट लिखेंगे। ठीक है, गुड। यस सर। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनो, सरल सवाल से शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं थोड़े से सरल सवाल से को कॉन्सेप्चुअली भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि ये एक स्प्रिंग है और ये इस तरह से पुली यहां से अटैच्ड है, ये एक स्प्रिंग अटैच्ड है एम मास है, और सुनो बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग कि क्योंकि हम जानते हैं कि कोई कांस्टेंट फोर्स किसी स्प्रिंग मास सिस्टम के टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं करता है और उन कांस्टेंट फोर्स में ग्रेविटी भी एक फोर्स आता है, इसलिए अगर हमारा टारगेट सिर्फ टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो तो हम ग्रेविटी को इग्नोर कर सकते हैं, हम मतलब ग्रेविटी को निग्लेक्ट करके भी अगर स्प्रिंग मास सिस्टम का ऑसिलेशन कराएंगे तो वी विल गेट द सेम टाइम पीरियड। इनफैक्ट इन केस ऑफ सम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती है वी समटाइम्स निग्लेक्ट द ग्रेविटी इफ आवर टारगेट इज टू फाइंड द टाइम पीरियड ओनली, नथिंग एल्स, नॉट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, तो हमें हमारा टारगेट सिर्फ टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। जिस तरह के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इनमें हमसे सिर्फ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे कर सकते हैं। तो आओ देखो, तो सबसे पहले हम ग्रेविटी को मान लेते हैं, वी कैन निग्लेक्ट द ग्रेविटी
इफ आवर टारगेट इज टू फाइंड द टाइम पीरियड ओनली, अगर हमारा टारगेट सिर्फ टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, वी कैन निग्लेक्ट द ग्रेविटी. अब देखो जो ध्यान सुनो, हमें ये देखना, अब हमें जैसे इस सिस्टम का के इक्विवेलेंट फील करना है. प्लीज गौर फरमाएं. अब आप देखो, अगर आपको पता हो कि ग्रेविटी नहीं है, चलो मीन पोजीशन पे पार्टिकल है अभी, और इसको अगर आप एक्स डिस्प्लेस करेंगे, नीचे लाएंगे, तो कितना फोर्स स्प्रिंग लगाएगा? के इक्विवेलेंट इनटू एक्स लगाएगा कि नहीं? यस या नो, बोले जल्दी से. यस सर. अब हमें ये फील करना है कि इस ब्लॉक को एक्स नीचे लाने पर, गौर फरमाए, इस ब्लॉक को एक्स नीचे लाने पर इस पे जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, वो फोर्स एक्स के साथ किस तरह से प्रोपोर्शनल होगा. जो भी एक्स नीचे लाने पर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, वो एक्स के साथ जिस तरह से प्रोपोर्शनल होगा, उसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, वही हमारा के इक्विवेलेंट कहलाएगा. आइए देखते हैं, लेट्स सी. जब इसको हमने एक्स नीचे लाया बेटा, तो ये पुली भी एक्स नीचे आएगी. गौर फरमाए, इस लेंथ में एक्स का इंक्रीमेंट होगा, इस लेंथ में भी एक्स का इंक्रीमेंट होगा, ये वाली लंबाई भी एक्स बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पुली ही एक्स. को बहुत ध्यान से देखना, जहां पर मैं पॉइंटर ले रहा हूं, एक्सप्लेनेशन पूरा समझ आ जाएगा. इस ब्लॉक को जब हमने एक्स नीचे किया, ब्लॉक पुली के सेंटर से कनेक्टेड है, तो पुली बेटा एक्स नीचे आएगी, और ये वाली लेंथ भी एक्स बढ़ जाएगी, ये वाली लेंथ भी एक्स बढ़ जाएगी. अब ये तो धागा है, इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है, ये तो बढ़ नहीं सकती. यानी इस वाले पोर्शन में टोटल लेंथ का इंक्रीमेंट एक्स और एक्स 2x का हुआ है, और ये 2x का पूरा इंक्रीमेंट किसमें हुआ होगा? स्प्रिंग में. तो एलोंगेशन इन द स्प्रिंग कितना हो गया? 2x हो गया. क्या ये 2x वाली बात समझ आ गई बच्चों? क्योंकि ये पूरी ब्रांच में, इस वाले पोर्शन में 2x का इंक्रीमेंट होना आवश्यक है. पुली अगर नीचे एक्स नीचे आएगी, तो ये वाली लेंथ भी एक्स बढ़ेगी, पर धागा तो बढ़ नहीं सकता, तो ये पूरा 2x खिंच करके ये मैनेज हो जाएगा पूरा दोनों तरफ. बताओ बेटा. यस सर. तो अगर स्प्रिंग में एलोंगेशन 2x का है, तो स्प्रिंग का जो, अगर मैं इसे टेंशन फोर्स कह दूं, ये टी होगा, ये 2t होगा, तो जो टी की वैल्यू होगी वो के इंटू 2x के बराबर होगी, क्योंकि स्प्रिंग में 2x एलोंगेशन होगा. लेकिन बॉडी पर लगने वाला फोर्स 2t के बराबर होगा, जो रीस्टोरिंग फोर्स भी आप कह सकते हो. तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो 4 times kx के बराबर होगा, और वो फोर्स चूंकि ऊपर की तरफ भी लगेगा, तो आप माइनस साइन भी गिफ्ट कर सकते हो अगर आप डायरेक्शन के हिसाब से लिखो. तो आप देख पा रहे हो कि जब आप एक्स बॉडी को जब आप एक्स नीचे खींचते हो, तो उस पर लगने वाला जो 2t है वो -4 kx के बराबर है. यानी यू विल फील, आपको ऐसा लगेगा कि बॉडी एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 4k. यानी दिस होल सिस्टम विल बिहेव लाइक ए स्प्रिंग हुज स्प्रिंग कांस्टेंट इज 4k. क्या ये स्टेटमेंट समझ आ रहा है बेटा? ये सिस्टम एक स्प्रिंग के जैसा बिहेव कर रहा है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 4k माना जा सकता है. तो यहां पे आप टाइम पीरियड लिखना चाहो तो लिखोगे 2π√m/4k, क्योंकि टाइम पीरियड इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट हमारा 4k आ गया. बताओ भाई. यस सर. यस, है ना. इसी तरह से क्वेश्चन, अब इसको हम ट्रिक से कैसे करते हैं? ये तो एक ही स्प्रिंग का है. देखिए, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो बल्कि नहीं आएगा, इसी तरह का कुछ आएगा. तो इस तरह का सवाल है तो उसे आप बेसिक से भी कर सकते हो. लेकिन अब 3-4 pulley लगा देगा, 3-4 spring लगा देगा, उस तरह का सवाल आता, हालांकि आता नहीं है एग्जाम में, बट फिर भी अगर उस तरह का आएगा तो बहुत लंबा पड़ता है, इसलिए हमें ट्रिक मजबूरी में बतानी पड़ती है आपको. उस लेंथी प्रोसेस को थोड़ा सा छोटा करना पड़ता है. चलिए भाई, तो मैं आपको इसमें ट्रिक बता देता हूं. ट्रिक में क्या होता है कि जितने भी स्प्रिंग्स लगे हों, ध्यान दीजिएगा, जितने भी मासलेस पुली हों, स्प्रिंग लगे हों, सबसे पहले हर एक स्प्रिंग का एक कन्वर्जन फैक्टर होता है. कन्वर्जन फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो होता है टी बॉडी
अपॉन टी स्प्रिंग का होल स्क्वायर, मतलब हर एक स्प्रिंग को जितने भी स्प्रिंग हैं उनको उसके कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नया स्प्रिंग बनाकर सीरीज में कनेक्ट कर दो। सबसे पहले हर स्प्रिंग को कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। जैसे इसमें देखो ध्यान से, इस स्प्रिंग में जो टेंशन है वो टी है, ये टी और बॉडी में टेंशन है 2T, तो कन्वर्जन फैक्टर हो जाएगा, बॉडी में टेंशन 2T है, स्प्रिंग में टी है, होल स्क्वायर 4 हो जाएगा कन्वर्जन। तो के को इस टी बॉडी अपॉन टी स्प्रिंग से मल्टीप्लाई करके रखा जाता है, तो ये 4K हो जाएगा बेटा। और चूंकि एक ही स्प्रिंग है, दो होते तीन होते तो सीरीज में लगाना होता, अभी मैं पूरा लिख दूंगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2, फटाक से केक किलो निकल आता है इसमें और एम बाई 4K हो जाता। तो ये आपको कन्वर्जन फैक्टर वाली ट्रिक दिमाग में रखनी है। मैं एक बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, इसका अच्छा यूज दिखाता हूँ आपको। तो ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखना है आपको, ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखना है, स्प्रिंग को उसके कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नया स्प्रिंग बनाएंगे और फिर केक क्यूल निकाल कर 2π अंडर रूट एम बाई के लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर मल्टीपल स्प्रिंग होंगे, मल्टीपल पुलीज हैं मासलेस, तो सभी स्प्रिंग को उनके उनके कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सीरीज में कन्वर्ट कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो इस तरह की सिचुएशन है, चलो यही बॉडी कनेक्ट कर देते हैं, ये K1 है मान लो, ये K2 है और ये K3। इस तरह का सवाल है बच्चों। तो सबसे पहले कितने स्प्रिंग हैं, तो आप देख लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 स्प्रिंग को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड मान लो। K1 इंटू उसके कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, K3 इंटू उसके कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करते हैं। इसका टेंशन T होगा, इसका टेंशन T होगा बेटा, इसमें टेंशन T है तो इसमें भी टेंशन T होगा। देख रहे हो ये T हो जाएगा पूरा, फिर ये मेन आर्म में 2T हो जाएगा इस पूरे में, 2T 2T, फिर बेटा इसमें 4T हो जाएगा और बॉडी में भी 4T कन लगेगा यहाँ पे, है ना। तो देखो बॉडी का टेंशन 4T, तो 16K1, बॉडी का टेंशन 4T और K2 में कितना है 2T है, 4K2, बॉडी का टेंशन 4T, K3 में भी 4T है, K3 तीनों सीरीज में कनेक्ट कर दिए। अब इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा 1/16K1, 1/4K2, 1/K3, प्लस टाइम पीरियड हो जाएगा 2π अंडर रूट m बाई k इक्विवेलेंट। तो जब m बाई k इक्विवेलेंट लिखोगे, m रहेगा 1/k इक्विवेलेंट को सीधे सीधे यही पुट कर दो, 1/16K1, 1/4K2 और 1/K3। दिस इज द आंसर फॉर द टाइम पीरियड। इस तरह से बच्चों आपको करना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपको कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हुए सब जितने भी स्प्रिंग है उनके कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हुए सबको सीरीज में कनेक्ट कर लेना है और फिर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेना है और तब टाइम पीरियड आपका आ जाएगा। पहले टेंशन तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही लोगे नॉर्मल पुली की तरह, ये वाले में टी और टी होगा तो मेन आर्म में 2T हो जाएगा बेटा, ये 2T हो जाएगा, ये 2T और 2T हो जाएगा तो ये 4T हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ऊपर वाले की बात
नहीं, पुली अगर एक्स नीचे आ रही है, पुली अगर एक्स नीचे आ रही है तो आप खुद फील करो ना, ये पुली सोचो यहाँ से यहाँ आ गई है पुली, तो ये वाला पॉइंट भी एक्स के नीचे जाएगा, ये वाला पॉइंट भी एक्स नीचे जाएगा, तो इस वाली एक्स ये बढ़ेगा एक्स, तो ये इस वाले पोर्शन अगर इसको एक टू एक्स हो जाएगा ना, लिख लिया बेटा सभी ने ये कॉन्सेप्ट, नोट कर लिया? यस सर। लिखते चला करो मेरे साथ साथ कि बाद में लिखोगे, बाद में कहाँ लिख पाओगे। और एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड आउट टाइम पीरियड, फाइंड आउट टाइम पीरियड। बताएं भाई बताएं, टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करें। देखिए यहाँ पे टी अगर मानेंगे तो इसमें टी होगा, फिर इसमें टू टी होगा, इसमें टू टी होगा, इसमें फोर टी होगा। तीन स्प्रिंग है, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर लो, कनेक्ट कर लो ऐसे, के थ्री के कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो के टू में और के वन में। बताएं भाई के थ्री का कन्वर्जन फैक्टर कितना आएगा? अच्छा लेट्स सी, के थ्री आएगा? नहीं बेटा गलत जवाब है आपका, ऊपर वाला के वन, के वन के थ्री का आएगा। टेंशन ऑन बॉडी, बॉडी ऊपर रहेगा स्प्रिंग नीचे रहेगा का होल स्क्वायर, के थ्री बाई सिक्सटीन, ये है बॉडी टी, स्प्रिंग टू टी का होल स्क्वायर, ये के टू बाई सिक्स फोर, टी बाई टी का होल स्क्वायर के वन,
तो 1 by k equivalent equal to 1 by k3, 16 ऊपर चला जाएगा, 4 by k2, 1 by k3, उल्टा लिखा है ये k1, तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m by k equivalent, 1 by k equivalent को लिख देंगे 16 by k3, 4 by k2, देखो भाई मैच कर रहा है कि नहीं, देखो यस सर यस सर यस सर यस वेरी गुड वेरी गुड यस सर अच्छा लग रहा है इतने सारे लोग ऐसे बोलते हैं जिन जिनको लिखना है लिख लो 10 सेकंड का टाइम मिल रहा है 20 सेकंड का चलो करो भाई करो और सर्दी वर्दी पड़ रही तुम लोग के कि नहीं कि हमारे यहाँ केवल कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही सर मैं तो हाफ टी शर्ट पहने बैठा हूँ यहाँ पे अच्छा तो सर्दी नहीं है फैन चलाना पड़ रहा है एसी चलानी पड़ रही सही है श्रेयांश यार तुम्हारे घर आ जाना चाहिए फिर तो सर इसके घर में बर्फ गिरती है ऐसे ही कह रहा है क्या पता है मुझे ऐसे ही कह रहा है मिलेगा तो पटक के मारेंगे इसको चलो भाई लिख लिया सभी ने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले तो ऐसे क्वेश्चन की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं यार ये वाह ट्रिक मिल गई ये मिल गया पर यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन जेई में बहुत कम आते हैं जिनमें कॉन्सेप्ट ज्यादा लगे और वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं बट फिर भी हम लोगों ने किया क्योंकि अगर आएगा तो हम कर लेंगे ठीक है अब मैं एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहा हूँ बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बहुत ही ध्यान से करिएगा सभी लोग ये एक कैपिटल एम मास है स्मूथ सरफेस पे स्प्रिंग से अटैच्ड है स्मॉल एम उसके ऊपर रखा है और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है दोनों के बीच में नीचे स्मूथ है तो इसमें सबसे पहले हमको बस एक कॉन्सेप्ट बताना है फाइंड आउट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ SHM फॉर विच स्मॉल m डज नॉट स्लिप रिलेटिव टू कैपिटल m स्मॉल एम एस कैपिटल एम के रिलेटिव में स्लिप ना करे यस सर यही तो है क्या
क्या कह रहे हो पांडे, क्या बोले? अंडर रूट नो सर, म्यू एमजी बाय के। गलत जवाब है, गलत जवाब है, रॉन्ग आंसर है आपका भाई। ऐसा लागे मन ने कि रॉन्ग उत्तर है, बाकी तो पता नहीं मुझे। सर म्यू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी अपॉन, ये सही लग रहा है कार्तिकेय ने भाई, देखो बात लग रही है मुझे, सही बता। बहुत ज्यादा गलत है पांडे, ये आंसर तो तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुम आसपास होते तो तुम्हें हम दो तीन मारते अभी थप्पड़ खींच के। चलो कोई नहीं, मार लेंगे जब मिलोगे तब। अब बेटा उस ध्यान सुनो, हम समझ गए तुम लोग। इस मान लो ये एसएचएम कर रहा है बेटा, और जब ये एसएचएम कर रहा होगा तो किसी भी टाइम मोमेंट ऑफ टाइम पे सोचो, एसएचएम चाहे राइट में हो या लेफ्ट में हो, मान लो ये मेन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पे होगा और दोनों कंबाइंड एसएचएम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसकी ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो रूट के अपॉन एम प्लस एम होगा ना, मास तो एम प्लस एम होगा ना सिस्टम का, क्योंकि ये कंबाइंड एसएचएम कर रहा है, स्लिप नहीं होना है एज ए सिंगल बॉडी, ऐसे 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 एसएचएम कर रहा है, तो टाइम पीरियड होगा 2π अंडर रूट एम प्लस एम डिवाइड बाई के। अब आप खुद विचार करो, अगर ये मेन पोजीशन के राइट में है तो एक्सेलरेशन जो सिस्टम का होगा वो लेफ्ट में होगा, रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन जिसे हम ओमेगा स्क्वायर एक्स कहते हैं, ओमेगा स्क्वायर होगा के अपॉन एम प्लस एम और इनटू एक्स, इतना एक्सेलरेशन होगा ये इस डायरेक्शन में होगा। सिर्फ एक्सेलरेशन के बारे में सोचिए आप, लेफ्ट में होगा मेन पोजीशन के तो एक्सेलेरेशन, राइट में होगा रीस्टोरिंग एक्सेलेरेशन होता है, जिस तरह से फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है, ऐसे एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन भी मेन पोजीशन की तरफ होगी। अब आप ध्यान से देखो, इससे इस वाली बॉडी से तो अटैच्ड है स्प्रिंग, अगर मैं ऊपर वाली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं
इससे तो अटैच्ड है स्प्रिंग जो कि फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन ऊपर वाली बॉडी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ऊपर वाली पे एम जी लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, और अगर ये मीन पोजीशन के राइट में सिस्टम है उसका एक्सेलेरेशन लेफ्ट में, भाई दोनों का एक्सेलेरेशन बराबर है ना, तो ऊपर वाले का एक्सेलेरेशन भी यही होना चाहिए, तो ऊपर वाले को डेफिनेटली कौन एक्सेलेरेशन दे रहा है, फ्रिक्शन। यानी ऊपर वाले का जो सहारा है वो फ्रिक्शन है, स्प्रिंग तो नीचे वाले पे अटैच्ड है, ऊपर वाले को जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान ऊपर वाले ब्लॉक का जो भी एक्सेलरेशन होगा वो ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली होगा। क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है? ऊपर वाले बॉडी पे हॉरिजॉन्टल फोर्स फ्रिक्शन के अलावा कोई दूसरा नहीं लग रहा है, तो वॉट एवर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द अपर ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यूरिंग इट्स एस एच एम, इट इज ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन, नोबडी एल्स। इज दिस स्टेटमेंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलिए तो अब हम ये देखते हैं, बहुत ध्यान समझिए कि अगर एक्सेलरेशन ए देना हो, प्लीज ध्यान दी, अगर एक्सेलरेशन ए देना हो तो जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन चाहिए होगा, भाई एम स्मॉल एम मास की बॉडी को एक्सेलरेशन ए देना होगा तो फ्रिक्शन की जो जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी स्टैटिक, वो स्मॉल एम इंटू ए के बराबर पड़ेगी, और ये रिक्वायरमेंट चेंज होती जाएगी। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और एक्सेलरेशन देना किसको है, फ्रिक्शन को, तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन बॉडी पे जरूरत कहां पड़ेगी, क्या मुझे कोई बता पाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम, वेरी गुड। यानी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो पड़ेगी वो एट एक्सट्रीम पोजीशन पड़ने वाली है, वो होगी एफ आर रिक्वायर्ड बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, चूंकि एफ आर की वैल्यू होगी एम ए, ये जो एफ आर है वही तो ए प्रोवाइड करा रहा है, और ए वेरिएबल है एक्सेलरेशन में, ए वेरिएबल होता है, तो ये ए मैक्सिमम, ये जो ए मैक्सिमम होगा ये ए ओमेगा स्क्वायर होगा एस एच एम में मैक्स, इतना ये है मैक्सिमम रिक्वायरमेंट। बेटा है कि नहीं बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक? नो सर। ये रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन पूरी तभी कर पाएगा अगर ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन लिमिटिंग से छोटा या बराबर हुआ। मान लो ये 50 न्यूटन का फ्रिक्शन हमें चाहिए एक्सट्रीम पोजीशन पे, लेकिन हमारा लिमिटिंग 35 ही न्यूटन है, तो ये मिल ही नहीं पाएगा बेटा। और हमने हमेशा बताया आपको नो स्लिपिंग के लिए, फॉर नो स्लिपिंग जो भी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन हो वो लिमिटिंग से छोटा होना चाहिए। तो ये जो भाई अब यहां पर सुनना, यहां पर अच्छा सवाल क्यों है, क्योंकि रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं है, रिक्वायरमेंट बदलती जा रही है। मेन पोजीशन में ब्लॉक कह रहा है हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए, मिड पोजीशन में कह रहा है हमें कम चाहिए, एक्सट्रीम पोजीशन पे कह रहा है हमें ज्यादा चाहिए, हर रिक्वायरमेंट फुलफिल किसको करनी है, फ्रिक्शन को। तो इसलिए अगर फ्रिक्शन ने सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी तो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन वहां पर भी कम नहीं पड़ा तो कहीं कम नहीं पड़ेगा, यानी उसकी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे। स्लिपिंग का सबसे ज्यादा खतरा एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे स्लिप नहीं हुआ तो कहीं स्लिप होगा, तो एम ए ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो म्यू एस और नॉर्मल की वैल्यू स्मॉल एम जी के बराबर होगी केवल, ये देख सकते हो। तो यहां से ए कट जाएगा, तो तुम देखो अल्टीमेटली इस सवाल को मैं एक ही लाइन में करूंगा, ये है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे ब्लॉक चल सकता है, और ये ए ओमेगा स्क्वायर SHM का मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, तो SHM का मैक्सिमम एक्सेलरेशन ब्लॉक की लिमिटिंग एक्सेलरेशन जिससे जहां तक वो स्लिप नहीं होगा उससे छोटा होना चाहिए। तो ओमेगा की वैल्यू है रूट के बाई एम प्लस एम और ये म्यू एस जी, तो ए लेस आर इक्वल टू आएगा म्यू एस एम प्लस एम जी बाई के, इससे छोटा होना चाहिए, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यही हो जाएगा म्यू एम प्लस एम जी डिवाइड बाई के। अब देखिए ये तो मैंने पूरा आपको विधिवत एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसका निचोड़ जो है वो यही एक लाइन है, इसका जो कंक्लूजन है, जब आप थोड़ा मैच्योर हो जाएंगे और आप ये बात समझने लगेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फील कराता हूँ, आप देखिए थोड़ा सा फील कराता हूँ,
आप ऐसे समझिए, अगर इस सिस्टम में एक्सेलेरेशन ए है तो ऊपर वाले ब्लॉक को ये एक्सेलेरेशन किसने दिया है? फ्रिक्शन ने। ऊपर वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन के सिवा कोई नहीं दे रहा। यानी कि आप ये पूछ लो, ऊपर वाले ब्लॉक से पूछ लो कि हे ऊपर वाले ब्लॉक, छोटे नन्हे मुन्ने ब्लॉक, तुम्हारा मैक्सिमम व्हाट कैन बी योर मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग योर मोशन? तो वो कहेगा देखो ऊपर वाले लिमिटिंग एक्सेलेरेशन। तो ऊपर वाला ब्लॉक कहेगा देखो मेरे पास लगने वाला है फ्रिक्शन, स्प्रिंग तो मुझसे कनेक्टेड है नहीं, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एम जी, मेरा मास एम है, यानी मैं ज्यादा से ज्यादा इतने एक्सेलेरेशन से चल पाऊंगा। जब फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत लगा देगा तो मेरा एक्सेलेरेशन इससे ज्यादा संभव नहीं है बच्चों। तो वो कहेगा कि हम कहेंगे कि हम तो तुम्हें सक्षम कराने वाले हैं, तो उसने हमसे कहा कि चाहे जो कुछ मोशन करा लो लेकिन मेरा एक्सेलरेशन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब एसएचएम में एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है, तो अगर एक्सट्रीम पोजीशन का एक्सेलरेशन भी इससे ज्यादा नहीं होगा तो स्लिप नहीं करेगा, क्योंकि यही मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। तो विदाउट नोइंग एनीथिंग एल्स तुम सीधे सीधे ए ओमेगा स्क्वायर कैन शुड बी लेस आर इक्वल टू म्यू जी कर दो, देन यू विल गेट द आंसर। तो इस तरह से ये स्मार्ट और शॉर्ट अप्रोच है जिस तरह से हम ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाले क्वेश्चंस किया करते थे, ठीक है ना। बाकी ये मैंने पूरी एनालिसिस लेकर आई है ताकि थोड़ा अच्छे से समझ जाओ कि ब्लॉक अगर ये सिस्टम मीन पोजीशन के इधर एसएचएम करेगा तो उसके पास डेफिनेटली एक्सेलेरेशन होगा, इसके पास भी वही होगा, इसके पास भी वही होगा, और ये एक्सेलेरेशन इस ब्लॉक को कौन देगा? फ्रिक्शन देगा। तो फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन एमए के बराबर होगा और ए चेंज होता रहेगा, तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी। अगर मैक्सिमम रिक्वायर्ड फ्रिक्शन भी लिमिटिंग से छोटा हुआ तो कहीं पे भी फ्रिक्शन कम नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हम उसी स्टेटमेंट पे आ गए जो हम कंक्लूड कर रहे थे। तो क्या ये बच्चों प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया बेटा? एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था, बात नहीं, बात पूरी समझ गई है बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। उम्मीद करते हैं कि इस तरह का सवाल अब आप गलत नहीं करोगे आगे। यस सर। छाप लिया कि छापोगे कि बाद में छापोगे? छाप लिया सर। छाप लिया सर। हो गया। ओके ओके, चलो जिन बच्चों का रह जाए वो नोट कर सकते हैं बाद में, कोई चिंता वाली बात नहीं। इसी तरह का एक मिलता जुलता और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा। इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को कराने से पहले मैं चाहता हूँ इसका वन लाइन सोल्यूशन आप समझें। आप एक बात बताएं, एक लिफ्ट में एक ब्लॉक रख दूं अगर मैं ऐसे, और लिफ्ट को एक्सेलेरेशन ए से डाउनवर्ड ले जाऊं जो कि अभी जी से छोटा है, तो इस ब्लॉक पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? तो बहुत आसानी, हाँ सभी लोग जानते हैं, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा और एम जी नीचे होगा, एक्सेलेरेशन ए होगा, डाउनवर्ड जाएंगे तो एम जी माइनस एन बराबर एम ए होगा। न्यूटन लॉ लगा दे रहे हैं बेटा, नॉर्मल एम जी माइनस ए हो जाएगा। बहुत ही सड़ा सवाल है, दो कौड़ी का, ये तो सभी लोग जानते हैं ना। यस सर। इसका मतलब है कि अगर इस ब्लॉक, इस लिफ्ट को डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन दिया जाए, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड हो, तो इसका नॉर्मल घटता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं जब ए की वैल्यू जी के बराबर होगी डाउनवर्ड तो नॉर्मल कितना हो जाएगा? देखो जरा, अगर ये फ्री फॉलिंग लिफ्ट होती, फ्री फॉलिंग लिफ्ट होती और इसका एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड जी होगा तो क्या नॉर्मल जीरो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसका मतलब अगर इस लिफ्ट, यस, अगर इसका मतलब इस लिफ्ट को अगर मैं जी के एक्सेलेरेशन से नीचे ले जाऊं तो ये ब्लॉक इसके टच में तो रहेगा, क्योंकि जी का एक्सेलेरेशन इसका होगा, जी इसका भी हो जाएगा, और उस केस में सेपरेट नहीं होगा, पर ये पुश नहीं कर पाएगा सरफेस को, तो नॉर्मल विल बी जीरो। बताओ भाई। यस सर। अब मुझे बताओ व्हाट विल हैपन इफ ए इज ग्रेटर देन जी डाउनवर्ड, तो क्या होगा? अगर मैं इस लिफ्ट को तेजी से नीचे कर लूं तो कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, लिफ्ट बॉडी थोड़ी, क्योंकि बॉडी गिरेगी जी से, ये लिफ्ट जा रही है ए से, ये गिर रही होगी जी से, और गैप होता जाएगा दोनों में, ए अगर जी से बड़ा है तो। आप ऐसे समझिए, आप अपने हाथ में एक बॉडी रखिए, अब हाथ को तेजी से नीचे खींच लीजिए जी से ज्यादा एक्सेलेरेशन से, पेन रख करके हाथ को तेजी से नीचे खींचिए तो आप देखोगे हाथ हट जाएगा पेन से। अरे हट जाएगा कि नहीं, करके देख ले। यस सर। ठीक है, जैसे मेरे हाथ में ये देखो चाबी है, तो मैं इस हाथ को नीचे कर रहा हूँ तेजी से, तो पेन चाबी ऊपर रह गई, भाई मैं पकड़ के तो खींचने,
अरे हो गया कि नहीं बेटा, समझ आ गई बात? यस सर। यानी वो लिमिटिंग स्टेट, वो अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं इसमें एक सवाल तुमसे पूछूं कि एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर एक बॉडी रखी है, तो नीचे वाली बॉडी को मैक्सिमम कितने एक्सेलेरेशन से सिस्टम को नीचे चलाया जा सकता है कि ऊपर वाली ना हो? कितना ए मैक्सिमम एक्सेलेरेशन लिख सकते कि ये छूट ना जाए इससे? जी तो एक के आंसर से नहीं मानूंगा मैं बिल्कुल। सर जी, जी होगा ना, बड़े ऑब्वियस सी बात है कि जी तो होगा। जी से ज्यादा करोगे तो जी पे नॉर्मल जीरो हो जाएगा। इस भाई ये लिफ्ट की सरफेस हो, ब्लॉक की सरफेस हो, क्या फर्क पड़ता है? ऊपर वाली बॉडी तो किसी बॉडी पे रखी है ना। यस सर। तो बताओ, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन सो दैट ब्लॉक्स आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर? जल्दी बोलो। जी 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 होगा ना। अब आप देखो, इसी क्वेश्चन को डाला गया है एसएचएम में। ये है, ये एसएचएम कर रहा है, सिस्टम एसएचएम कर रहा है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड बताना है, ओमेगा बताना है, फ्रीक्वेंसी बताना है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड आउट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर विच स्मॉल एम इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम कैपिटल। सेपरेट ना हो तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है ना। तो पहले तीन क्वेश्चन तो फॉर्मेलिटी के लिए है, मेन क्वेश्चन ये वाला है। चलो करो आंसर, बताओ। सर एम प्लस एम जी बाय के। यस सर, यही है, एम प्लस एम जी बाय के। बिल्कुल सिंपल बात है। देखो, सही बात है कि जब ये सिस्टम
अपनी जहां पर भी मीन पोजीशन होगी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द मीन पोजीशन, उससे जब एक्सट्रीम पोजीशन एक्स ऊपर होगा तो एक्सेलरेशन नीचे होता है, आपको पता है। तो आपको पता है कि भाई सेपरेट तब हो जाएगा जब ये नॉर्मल जीरो हो जाएगा। अब ये वाली चीज हमें ऊपर वाले कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि SHM के दौरान जो मैक्सिमम एक्सेलेशन होता है वो ए ओमेगा स्क्वायर होता है, वो जी से छोटा होना चाहिए, जी से बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ए हो गया, ओमेगा है रूट के बाई एम प्लस एम का होल स्क्वायर, तो के अपॉन एम प्लस एम, चूंकि पूरा मास ही SHM कर रहा है, ये जी से छोटा होना चाहिए, तो ए लेस आर इक्वल टू एम प्लस एम जी बाई के, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो आ रहा है छोटा या इससे बराबर, तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा एम प्लस एम जी बाई के। बताओ भाई कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, वेरी गुड। अब आप लोग एक क्वेश्चन और करें। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, 2m मास की बॉडी है, ऐसे स्प्रिंग से रखी है और ये रेस्ट पे, अब देखना ध्यान से सुनना, और रेस्ट भी है और इक्विलिब्रियम पे है, स्प्रिंग को ऊपर रखी है तो ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम पे होगी। अब हमने क्या किया, एट t इक्वल टू जीरो अनदर मास स्मॉल एज m इज पुट ओवर कैपिटल m, पुट ओवर 2m, फाइंड आउट टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू सिस्टम। Also find out position of the system. हमने क्या किया, एक बॉडी लेके गए, नया फोटो बनाया, नहीं तो मजा नहीं आएगा। और ये m जाके उस पे t इक्वल टू जीरो पे, अभी रेस्ट पे था, धीरे से रख दिया हमने, तो जैसे m एक्स्ट्रा रखोगे ये नीचे चल पड़ेगा, मोशन शुरू हो जाएगा क्योंकि भारी हो जाएगा वेट। तो कह रहे हैं जो नया सिस्टम है उसका टाइम पीरियड ओमेगा, फ्रीक्वेंसी क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है, मैं ओरिजिन डिफाइन कर देता हूं, ये 0,0 है और नेचुरल लेंथ दे दे रहा हूं मैं एल नॉट, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ। घड़ी गलत है, 10 मिनट स्लो है, इस चक्कर में लेट हो गया आज। पता है बच्चों, तुम टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड निकाल लो, क्वेश्चन क्वेश्चन तो निकल ही आएगा।
एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड ओमेगा फ्रीक्वेंसी नया फोटो बनाते हैं। ए क्लास चल रही है, आउट आओ बेटा। देखो यहां पे हम लोग टू एम मास का ब्लॉक पहले से कनेक्टेड था, तो आप खुद सोचिए कि जो नेचुरल लेंथ रही होगी क्या स्प्रिंग वहीं तक होगा कि कुछ दबा होगा। तो इनिशियली जो दबा, वेरी गुड, इनिशियली जो दबा होगा स्प्रिंग वो मान लेते हैं x1 दबा हुआ है, और क्योंकि इक्विलिब्रियम में था ब्लॉक पहले 2m मास वाला, तो जो दबा होगा, जो कंप्रेशन होगा वो 2mg/k के बराबर होगा शुरुआत में जी। चलिए तो अब हमने क्या किया बच्चों, इस ब्लॉक पे हमने एक ऊपर से ब्लॉक रख दिया। यस सर। तो जैसे ही हमने ब्लॉक रखा तो चूंकि जो स्प्रिंग का फोर्स था वो तो 2mg को बैलेंस किए हुए था, लेकिन अब वेट हो गया 3mg, तो भले ही यहाँ पर रेस्ट है लेकिन क्या अब जो नया सिस्टम बना है, पुराने सिस्टम को गोली मारिए, पुराने सिस्टम की तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, लेकिन क्या नए पोजीशन में भी ये सिस्टम यहाँ इक्विलिब्रियम में रुकेगा? नहीं रुकेगा ना, क्योंकि जो इसका वेट होगा वो तो 3mg नीचे की तरफ लगने लगेगा, वो जो वेट होगा वो 3mg लगने लगेगा, और यहाँ पे ये kx तो 2mg के ही बराबर था, यानी कि इस सिस्टम का, ये नए सिस्टम का इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा बेटा। यस या नो, एग्री करें भाई सभी लोग? यस। तो वेलोसिटी लेकिन जीरो है, तो नए वाले सिस्टम का एक्सट्रीम पॉइंट जरूर होगा, जो 3m मास सिस्टम करेगा उसका एक्सट्रीम पॉइंट जरूर होगा।
तो पहले तो 3m मास का जो SHM होगा उसका ओमेगा होगा रूट के बाई 3m, टाइम पीरियड होगा 2π अंडर रूट 3m बाई के, फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड, ठीक है। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड निकालने का। तो अब आप ये देखिए, इस पोजीशन से मान लेते हैं कि कुछ यहां पर मीन पोजीशन आ रही है, ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी, और इसे मान लेते हैं एम्पलीट्यूड। यही तो एम्पलीट्यूड होगा बच्चों, बोलो। अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट यार। तो नई वाली मीन पोजीशन जो होगी, मीन पोजीशन उसे कहते हैं जहां फोर्स बैलेंस होगा। यस सर। अब आप देखो ध्यान से, शुरुआत में एक्स वन तो पहले से कंप्रेस था, अभी अगर हम मैक्स कंप्रेशन पता कर लें कि इस वक्त ये जो न्यू मीन पोजीशन आई है, जो न्यू सिस्टम की मीन पोजीशन आई है, वहां कितना कंप्रेशन होगा, बहुत ध्यान समझना। तो मैं इसे पूरा एक्स टू कंप्रेशन कह देता हूं। तो एक्स टू कंप्रेशन जो होगा वो न्यू मीन पोजीशन, न्यू मीन पोजीशन के एक्स टू जहां 3mg को बैलेंस करेगा, तो जो एक्स टू होगा वो 3mg बाई के होगा, इतना कंप्रेशन जहां होगा वो नई वाली मीन पोजीशन होगी, ये वाली लोकेशन। देखो एक्स वन तो पहले से कंप्रेस था, ये जो पोजीशन थी यहाँ पे एक्स वन तो पहले से कंप्रेस था 2mg बाई के, और मीन पोजीशन पे कंप्रेस है 3mg बाई के। तो कोई मुझे बता सकता है एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2mg बाई के होगा कि 3mg बाई के होगा, कि इन दोनों को घटा के जो आएगा वो होगा? घटा के mg बाई के आएगा। वेरी गुड, mg बाई के आएगा, मतलब x2 माइनस x1। भाई मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का गैप आएगा ना, तो ये x1 है और ये पूरा x2 है, तो x2 माइनस x1 ही तो एम्पलीट्यूड हुआ ना बेटा, बताएं बताएं। यस सर। जी कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो अब सुनो, एक ऑब्जर्वेशन बता देता हूं, जब भी किसी बॉडी में पहले से कोई वेट या फोर्स या कोई चीज रखी होती है और तुम एक्स्ट्रा फोर्स उस पे अप्लाई करते हो, तो उस एक्स्ट्रा मास के कारण जो मीन, क्योंकि वो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वो एक्सट्रीम बन जाती है, और जो मीन पोजीशन में शिफ्टिंग आती है वही दरअसल एम्पलीट्यूड हो जाता है। तो आप देख रहे हो जितना ये एक्स्ट्रा नीचे आएगा मीन पोजीशन के लिए, हालांकि यहाँ रुकेगा नहीं, यहाँ स्पीड मैक्सिमम होगी और नीचे जाएगा अभी ये, क्योंकि अब ये एसएचएम कर रहा है, एक्सट्रीम से मीन आया, मीन से एक्सट्रीम जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर इस तरह से एसएचएम करने लगेगा, बट हमारा काम एम्पलीट्यूड का तो यहीं से हो गया। तो एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी आ गया। अब आप देखो ये मीन पोजीशन के ऊपर वाली एक्सट्रीम थी, तो अगर टी बराबर जीरो है तो फेस कितना होगा, पाई बाई टू होगा। तो अब बात करते हैं ओरिजिन, हमने इस पॉइंट को कहा है, और नेचुरल लेंथ यहां से लेके यहां वाली है। तो अगर मुझे मीन पोजीशन का वाई कोऑर्डिनेट लिखना हो, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ मीन पोजीशन, तो एल नॉट माइनस 3mg बाई के मीन पोजीशन होगा, क्योंकि एल नॉट तो पूरा ये है यहां से लेके यहां तक, और ये x2 पूरा घटेगा तब तो मीन, ये वाला y कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक, यही तो y कोऑर्डिनेट ऑफ मीन पोजीशन है, यहां जब आएगा तब मीन पोजीशन होगा, उसमें से x2 घटाना पड़ेगा, x2 क्या है 3mg बाई के। तो ये मीन पोजीशन का y कोऑर्डिनेट, मीन पोजीशन का y कोऑर्डिनेट, ठीक है, वेरी गुड, और फेस पाई बाई टू है, तो y माइनस y1 a sin ओमेगा t प्लस फाई। इक्वेशन राइटिंग इज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि उसके लिए सब कुछ चाहिए होता है। L नॉट माइनस 3mg बाई के लिख लेते हैं, और एम्पलीट्यूड है ओनली mg बाई के, ओमेगा है रूट के बाई 3m टी, और फेस है पाई बाई टू, टी इक्वल टू जीरो पे छोड़ा था। दिस इज द, अगर इस पूरे को लपेट लें तो ये कैपिटल Y है, पूरे को लपेट लें तो ये कैपिटल Y है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, इस पूरे को लपेट लें तो कैपिटल वाई। पता है बेटा एक क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्ट, इस पता है इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एम्पलीट्यूड कैलकुलेशन एंड फेस कैलकुलेशन। बताओ भाई क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, चूंकि अभी मैंने नहाया धोया नहीं है, सुबह से बस नाश्ता नाश्ता किया केवल, भूख भी लगी। हाँ बेटा कोई गलत नहीं होगा, ये कॉस में तो कन्वर्ट हो ही रहा है अल्टीमेटली, देखो
लेकिन फिर चीजें बदल जाएंगी, कॉस में लिखोगे तो ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो पे वो फिर एक्सट्रीम होगा। तो जो सेट भाई दोनों है तो बराबर ही फंक्शन, साइन की फायदा ये है कि मीन से शुरू हो रही है। अब मान लो तुमने ए बराबर रेफरेंसेस चेंज हो, रेफरेंस अगर ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो लिखोगे तो यहाँ हो जाएगा, फिर जीरो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, है ना। इसलिए एक चीज पकड़ के चल रहे हैं हम लोग, गड़बड़ नहीं होगा कभी, है ना। चलिए ऑल राइट, सेंड कर देंगे, चल चल चलो।